नहीं देखिए, सीनियर और जूनियर की बात सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक है या किसी भी कोर्ट में है, वो दो तरह से हैं हमारी न्यायिक प्रक्रिया में। जहाँ तक जुडिशल मैटर हैं, यानी कि कोई भी मुकदमा है, जज की हैसियत में अगर कोई भी सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जज एक समान हैं। जैसा उन्होंने कहा भी कि भाई जस्टिस जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो चेलमेश्वरम साहब ने कहा भी कि जहाँ तक न्याय की स्थिति है उसमें सभी जज समान हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया में सब जज समान हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में चीफ जस्टिस जो होते हैं उनको थोड़ी सी पावर होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की परंपरा ये है कि उनके बाद में जो नेक्स्ट हैं वो भी सीनियर हैं, तो उनसे बात करके ही वो सारी प्रक्रिया उसको अंजाम देना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सुप्रीम कोर्ट की जो एक सम्मान है उसका, जो लोगों का विश्वास उसमें है, वो बना रहे, वो कायम रहे। तो सीनियरिटी का एस सच वो नहीं है। और जो व्यक्ति वहाँ फिर सीनियर उस तरह से होता है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बाद में नेक्स्ट जो हैं वो चेलमेश्वरम साहब हैं, चेलमेश्वरम जी वो नेक्स्ट चीफ हैं। तो ये स्थिति सिर्फ इसलिए है एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में, और वैसे नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में सब लोग समान हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट पे सभी जो भरोसा करते हैं कि यार ये जो न्यायपालिका है सबसे बड़ा घर है, आज वहीं से चिंगारी उठना स्टार्ट हो गई है। नहीं, बिल्कुल बात है। और मैं इसमें ये कहूँगा, मेरी तरफ से चारों जजेस, जस्टिस चेलमेश्वरम जी, जस्टिस रंजन गोगोई साहब, जस्टिस मदन बी लोकुर साहब और जस्टिस जोसेफ साहब, मैं तो अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई दूंगा। नमन करता हूं ऐसे जजेस को कि जब पूरा देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, और चीफ जस्टिस अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो कई मुकदमों के विषय में उन्होंने इंडिकेशन भी दिया है, अपने पत्र में भी उन्होंने कहा है, इतनी गंभीर स्थिति को उन्होंने देश के सामने रखा, तो उन्होंने कहा भी कि देश का ऋण है जिसे हम चुका रहे हैं। तो वाकई में देश को उनका ऋणी होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी न्याय की संस्था है, जहां से न्याय की उम्मीद है, व्यक्ति कहीं भी नीचे अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो उम्मीद यही करता है कि भी कम से कम मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और वहां व्यक्ति जब ये सब चीजें देखनी पड़ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस कह रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से जो मुकदमे जहां जिस बेंच को चाहते हैं वहां वो भेज देते हैं, वहां भेजने का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो जजमेंट वो चाहते हैं, जो ऑर्डर वो सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं, जिसके भी पक्ष में चाहते हैं, वो करा रहे हैं। तो इन हालात में देश कितने बड़े खतरे से गुजर रहा है।